भारी गहमा गहमी के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। इन सब के बीच मरुधरा की अगली सरकार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि राजस्थान की सत्ता पर आखिर किसका होगा कब्जा, क्या राजस्थान में टूटेगी 20 साल पुरानी परंपरा। वैसे तो इन सवालों के जवाब तो 11 दिसंबर को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले वोटिंग की सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। राजस्थान में बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और खास बात यह है कि राज्य में बीते 20 सालों में कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता पर कब्जा नहीं जमा पाई है। चुनावी सर्वेक्षण राज्य में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते कुछ दिनों में पूरी जोर आजमाइश की है। मौजूदा चुनाव में किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार और युवाओं के लिए नौकरी जैसे मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक जोर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी सभाओं में राफेल, करतारपुर कॉरिडोर, नीरव मोदी के सहारे बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक, यूपीए सरकार में हुए घोटाले, भारत माता की जय और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले जैसे मुद्दों के साथ कांग्रेस पर पलटवार किया। दोनों दलों ने सूबे के शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। वहीं कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा भी किया। इतने नहीं, विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने बड़ी संख्या में चुनावी सभाएं की हैं। बीजेपी ने राज्य में 222 बड़ी जनसभाएं की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की 12 सभाएं शामिल हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य भर में कुल 9 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हालांकि बीजेपी एक बार फिर से वसुंधरा राजे के चेहरे पर दांव खेल रही है, जबकि कांग्रेस बिना किसी चेहरे के चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा कायम रहती है या फिर इस बार टूट जाती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।